हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं हूं डीज बेदी फ्रॉम स्वैग पाजी। आई होप आप सब अच्छे हैं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं डेली एक न्यू वीडियो डालता हूं। आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि पाजी आपके टी शर्ट्स का, शर्ट्स का, लोवर्स का, जिम वेयर का वीडियो डाला, लेकिन आपने आज तक कभी जीन्स का वीडियो नहीं डाला। तो मैंने सोचा कि मैं जीन्स का वीडियो भी आप लोगों के लिए बनाता हूं। और वो जीन्स जो है मैं नॉर्मल या रेगुलर फिट या नॉर्मल फिट नहीं लेके आ रहा, मैं आपके लिए बहुत ही एक्सक्लूसिव जीन्स लेके आ रहा हूं, जो मैंने डाला भी हुआ है, वो आप देखेंगे कि अभी इंट्रो में घूमेगा, यू कैन सी दैट। तो आज का जो वीलॉग है वो बहुत अच्छा होने वाला है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि नीचे डिस्क्रिप्शन चल रहा है, जाके मेरे पेज को फॉलो कर लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप आने वाली मेरी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने बोला था कि आज का जो वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, वो जो वीडियो है वो जीन्स के बारे में। और वो जीन्स ऐसी है कि हर इंसान को, हर एक्टर को, हर पंजाबी सिंगर्स को वो जीन्स बहुत पसंद रहती है। ज़्यादातर सलमान खान वो जीन्स डालते हैं, तो आप समझ तो गए होंगे कि वो कौन सी जीन्स है। वो जीन्स का नाम है गाइस ट्रू रिलीजन। ट्रू रिलीजन एक ऐसी जीन्स है जो दिखने में, पहनने में, कम्फर्ट लेवल में, आपको हाइप क्रिएट करने में, आपका फैशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई करने में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करती है। इसके साथ में आप कुछ भी चीज़ कैरी करेंगे, चाहे वो नॉर्मल टी शर्ट है, चाहे वो शर्ट है, वो बहुत अच्छा लगने वाला है। बट इसके साथ में अगर मैं आपको गाइड करूँ तो आप इसके साथ में हमेशा एक चेल्सी बूट डालें या फिर एक लॉन्ग बूट डालें, क्योंकि ट्रू रिलीजन के साथ में होता है कि जो पोंछा होता है, जो नीचे वाला जो होता है गैप, वो बहुत बड़ा होता है। तो आई वुड रेकमेंड कि आप हमेशा चेल्सी बूट डालें ताकि वो आपके साथ बहुत अच्छा लगे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ जीन्स के बारे में कि जीन्स कैसी कैसी है हमारे पास, ट्रू रिलीजन में कितने कलर हैं, इसके थ्रेड का क्या कलर है, इसका साइज क्या है, इसका प्राइस रेंज क्या है, सबका सब आपको बताने वाला हूं। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूं। तो मैं जींस खोलता हूं आप लोगों के सामने। आप देखिए कि जींस जो है, जो मेरे पास है, ट्रू रिलीजन की है। यहां पे जो टैग्स है वो सब करते ट्रू रिलीजन है, या लिखा हुआ ट्रू रिलीजन ब्रांड जींस वर्ल्ड टूर फैशन फॉर थी सेंसेस रॉकी रिलैक्स स्ट्रेट फिट। इसका मतलब यह है कि एक रिलैक्स्ड फिट है और एक स्ट्रेट फिट है। ट्रू रिलीजन गाइस ज़्यादातर स्ट्रेट फिट में होता है, क्यों? क्योंकि इसके साथ में ज़्यादातर लोग, इसे काउबो जीन्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसके साथ में हमेशा लोग बूट डालते हैं। स्पोर्ट्स शूज तो बिल्कुल अच्छा लगता है, बिल्कुल मत डालना, डालोगे तो बहुत ही बेकार लगोगे। ठीक है, मैं खोल के दिखाता हूँ ट्रू रिलीजन के बारे में कि इसमें क्या खास बात है। इसका सबसे ज़्यादा मेन खास बात क्या रहता है कि इसके कलर कॉम्बिनेशन थ्रेड के साथ में, जीन्स के कपड़े के साथ में बहुत अच्छे रहते हैं। जैसे अभी आप देखो मेरे पास ये ब्लू कलर का जीन्स है, इसके साथ में देखो यहाँ पे जो थ्रेड्स हैं, अब देखो कितना मोटा मोटा थ्रेड यहाँ पे दिया गया है। गाइस इसकी भी एक खास बात यह है कि इसके जो थ्रेड्स होते हैं ना, हर जीन्स के साथ में, ट्रू रिलीजन की हर जीन्स के साथ में थ्रेड अलग आता है। जैसे ब्लैक के साथ में ब्लैक आता है, ऑरेंज आता है, व्हाइट आता है, ब्लू के साथ में व्हाइट आता है, तो बहुत सारे कलर आते हैं। बट जो मेन खास बात है इसका, वो है थ्रेड और इसका जो बैक रहता है। इसके बैक का देखो, ये ट्रू रिलीजन का एक साइन है। अब देखो कि जीन्स के अंदर कितनी डिटेलिंग दी हुई है, मैं सबके सब आपको दिखाता हूँ। अब देखो पीछे कितना बड़ा पैजियो है ट्रू रिलीजन का। थ्रेडिंग के साथ में यहाँ पे टीआर का जो लोगो बना हुआ है। उसके बाद अगर मैं आपको जीन्स के अंदर लेके चलूँ तो देखिए इसका जो जिप का क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छा है। अब इसके अंदर भी यहाँ टैग्स दिए हुए हैं, यहाँ पे भी टीआर का पूरा टैग दिया हुआ है। अगर इसके अस्तर कहते हैं, अस्तर देखो, इसके अस्तर भी बहुत प्यारे हैं। इनकी जितने भी आप रिपिट कहते हैं, जो बटन कहते हैं, बटन पे भी देखो सबका सब वही ट्रू रिलीजन का पूरा दिया होता है। यहाँ पे देखो कितनी प्यारी है। तो इसका आप देखो इसका फिट कितना प्यारा है, मैं आपको यहाँ लगा के दिखा देता हूँ। इसका फिट कितना प्यारा आता है, कलर कितने प्यारे हैं, थ्रेड का कलर कितना प्यारा है। इसके मेरे पास कम से कम 4-5 कलर है। तो अभी तो मैंने आपके साथ ये कलर डिस्कस किया है, ये कलर ब्लू के साथ में व्हाइट मिक्स है। अगला जो कलर है वो ये है, आप देखो ये डार्क कलर है ट्रू रिलीजन का। दिस इज द डार्क कलर। इसके साथ में जो मुझे अच्छा बेहद क्या लगा, बहुत अच्छी प्यारी क्या चीज़ क्या लगी कि यहाँ पे देखो ऑरेंज कलर का ट्रू ईयर का लोगो दिया हुआ है। तो ये सेम का वही जींस है जो मैंने आपको पहले दिखाया था। बट मेन जो इसमें अच्छी बात मुझे लगी वो इसका ये टीआर का ऑरेंज कलर का एक लोगो लगा, जो आपको अलग से ही आपको यहाँ लोगो दिखेगा तो बहुत प्यारा लगेगा। इसके साथ में आप चेक शर्ट डालना, प्लेन शर्ट डालना, प्रिंट मत डालना, और मेक श्योर गाइस आप बूट्स जरूर डालें, क्योंकि बिना बूट के टीआर अच्छा नहीं लगता। अगला जो मेरे पास कलर है वो थोड़ा डार्किश साइड में है। आप देखो अगेन थोड़ा डार्किश साइड में, इसमें थोड़ा ब्लूइश का, थोड़ा पर्पल का कॉम्बिनेशन प्यारा आ रहा है। मेरे पास इसमें जो साइज है वो है लेके 30 से लेके 36 तक। 30 वाला 28 को भी आ जाता है, 36 वाला 38 को भी आ जाता है। तो क्योंकि इसमें कपड़ा स्ट्रेच रहता है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए कितना स्ट्रेच कर रहा है ये, और इसका जो प्राइस है वो सिर्फ 1300 रुपये है। 1300 में आपको अगर मेरी शॉप पे आके लेंगे तो आपको मिल जाएगा। अगर आपको शिपिंग कराना तो शिपिंग भी हो जाएगा। जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे डार्केस्ट कलर टीआर का, जो अभी तक का बहुत फेमस कलर टीआर, इसको बहुत ज़्यादा मांगते हैं लोग कि पाजी हमें टीआर का डार्क कलर चाहिए, क्योंकि डार्क कलर में जो व्हाइट कलर का जो थ्रेड है, जो कॉम्बिनेशन है, वो बहुत अच्छे लगते हैं। अब देखो इसका थ्रेड मैं आपको पास करके दिखाता हूँ। इसका जो थ्रेड का क्वालिटी है ना, वो भी बहुत अच्छा है। गाइस टीआर की जो जीन्स होती है ना, वो नॉर्मल टेलर नहीं बना सकता, क्योंकि नॉर्मल फैक्ट्री नहीं बना सकती, क्योंकि टीआर की जीन्सों के लिए आपको बहुत मोटी सुई चाहिए होती है, क्योंकि बहुत मोटा धागा होता है। जो धागा होता है सब बाहर से आता है, इंडिया से नहीं बनता। अगर आप इंडियन सस्ती टीआर लोगे जो 500 में आ जाती है, लोकल मार्केट में मिल जाती है, वो धागा वो कहीं से जीन्स को फाड़ देगा। अब इसमें खास बात क्या कि अगर आप इस जीन्स को डालते हैं, इसको यूज करते हैं, वॉश करते हैं, तो इसका जो धागा है ना, ये जो इसका धागा है, वो जीन्स को नहीं फाड़ेगा। अदरवाइज क्या होता है कि जीन्स आप लोकल लोगे तो वो कपड़ा मतलब छिट जाता है, तो लोग कंप्लेंट करते हैं कि टीयर का जीन्स का मजा नहीं आया। बट अगर आप ये टीयर का जीन्स लेंगे तो मैं आपको बताता हूँ, श्योरिटी देता हूँ कि इसका कपड़ा नहीं फटने वाला।
अगली जो टीआर है वो बहुत अच्छी है। मैंने पहली बार देखी कि टीआर में ब्लैक कलर में ब्लैक धागा भी आता है। आप देखो, ऑल्दो कि इसमें आपको वो लुक नहीं आएगी कि टीआर के अंदर धागा नहीं दिख रहा, बट कुछ लोग टीआर में ब्लैक मांगते हैं कि पाजी टीआर की जीन्स में हमें ब्लैक कलर भी चाहिए। तो आप ये देखें, इसमें ब्लैक कलर में ही ब्लैक धागा है। ऑल्दो आपको धागा नहीं दिख रहा होगा, धागा इसके साथ में बिल्कुल रल मिल रहा है, अलग से बाहर निकल के नहीं आ रहा। बट देखो यहाँ पे लोगो है जो बता सकता है कि यस कि हमारे पास ये जीन्स भी है, हमारे पास ये कलर भी है और ये लोगो है जो जीन्स को बहुत अच्छा दिखाता है। सो मैं आपको एक बारी ओवरव्यू देता हूँ कि जीन्सों का, कि इन जीन्सों में क्या है कि इसका धागा, इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है, जो थ्रेड जाता है। देखो मैंने टीआर का जीन्स डाला भी, आप देख सकते हो वेरिंग टीआर जीन्स, मैं आपको पीछे से भी दिखा देता हूँ। सो ये बहुत सुंदर लगता है, देखो यहाँ से इसका थ्रेड जा रहा है, यहाँ से कितना प्यारा जा रहा है। तो आजकल ये जीन्स बहुत इन है, हर फैशन वाला, हर टिकटॉक वाला, हर इंसान जो आजकल फैशन को बहुत ज़्यादा फॉलो करता है वो टीआर जरूर डालता है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर आपको टीआर का जीन्स लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा पेज का लिंक जा रहा है, वहाँ पे मैं इसका सारा स्टॉक डाल दूंगा। साइज है 30 से लेकर 36 तक, प्राइस है सिर्फ 1300 रुपये, मात्र 1300 रुपये। 1300 में आपको इतना बेहतरीन, इतना प्यारा, इतना कम्फर्ट वाला जीन्स मिल रहा है। एंड मेक श्योर गाइस, अगर आप टीआर का जीन्स लेते हैं तो इसके साथ में आप चेल्सी बूट जरूर लें। अगर आपके पास चेल्सी बूट्स नहीं है, अगर आपको चेल्सी बूट्स खरीदने हैं तो वो भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वो भी आप जाकर खरीद सकते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना बहुत है टीआर के जीन्सों के लिए। मेरा जो अगला वीलॉग रहेगा वो भी जीन्स के ऊपर रहेगा। अगला जो वीलॉग बनाऊंगा वो बहुत प्यारा है, अगर आपको वो देखना है तो मेरी वीडियो को मिस मत करना, मेरे पेज को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस को मिस ना करें।